आपका स्वागत है एक बार फिर से द वॉर ऑफ किंगडम के एक और पार्ट में। वीडियो में आपने देखा कि हमने वॉर लड़ी थी, वो वॉर हम आराम से जीत गए थे। हमारे दो विलेजर सोल्जर भी बच गए थे और मैं यहाँ पर टावर पे आया हूँ देखने के लिए कि विलेजर कोई हरकत तो नहीं कर रहे हैं। विलेजर बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप, मतलब सहम से गए हैं वो। और हमारा टावर डिफेंस पर लगातार अटैक कर रहा है। तो मेरे पास ये 7 आयरन है और मैं सोच रहा हूँ इन्हें दे दूँ अपने राहू भाई को। अब हमें बदले में एमरल देंगे राहू भाई के पास। मैं राहू भाई के घर में जा रहा था, फिर मुझे ये दिखा, ये पता नहीं कहाँ से आया, इसमें काफ़ी सारे एरो लिख रहे हैं। ये मतलब एरो वाला प्लेन है और पता नहीं यहाँ पर किसने भेजा है, पीछे से आया है। अभी मैं देखूँगा पीछे है क्या, काश ये बहुत पीछे से आ रहा था। यहाँ पर काफ़ी सारे एरो हैं पीछे और वहाँ पर कुछ है, लेकिन ये यहाँ से लॉन्च किया गया है और वहाँ पर काफ़ी सारे प्लेजर। इसका मतलब पिछले जब हमारी वॉर हुई थी, आप लोग जाके देख लेना, उसमें इनने ही उन हमारे घर के सामने वाले प्लेजर हैं उनकी हेल्प की होगी। उनके पास जाके देखता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो काफ़ी सारे एक साथ एरो मार रहे हैं। अरे ये तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है जो हमारे। अरे ये तो डैमेज दे रहे हैं, यहाँ से जाना होगा कि ये। अरे गाइस ये बहुत खतरनाक है, यहाँ से चलना चाहिए। जिसने हमारी लड़ाई चली थी, यहाँ जो हमारे कार्सल के आगे उन लोगों की इनने ही हेल्प की थी, इतनी बात तो पक्की हो गई। तो गाइस वो हमारे कार्सल पर जा रहा है और वहाँ पर जाकर रुक गया, क्योंकि इसका मतलब ये साफ है इन लोगों ने हमारे कार्सल पर अटैक करने के लिए इसको भेजा था, इसलिए ये यहीं आकर रुका है। उनके पास मुझे कोई ऐसा डिवाइस लगता है जिससे वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारे जैसे कार्सल के एकदम मतलब एंड करा कार्सल को बॉर्डर पर, थे कि वहीं पर स्टॉप हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके अंदर क्या पता एरो हो, मैं देख लेता हूँ, अगर एरो हुए तो थारे मैं एरो निकाल लूँगा। ये यहाँ पर आके बिल्कुल स्टॉप हो गया, इसका मतलब उनने यहीं के लिए इसको लॉन्च किया था कि यहाँ पर ये आके रुक जाए। तो मैं चल के देखता हूँ ऊपर, क्या पता कुछ मिले इसके अंदर थे, ये सारे एरो इसके यहीं पर ख़त्म हो गए। ये पानी के अंदर भी काफ़ी सारे एरो थे, मैंने देखे थे, तभी मैं ऊपर चल कर देख लेता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से काफ़ी सारे एरो निकाल रहा था, तो मैं देखता हूँ उन्हें कितने। गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे एरो में, इसका मतलब उन्हें 3 स्टैक एरो के डाले थे इसके अंदर। तो गाइस वो लोग ज़्यादा जो हमारे घर के सामने हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं ये लोग। तो देखते हैं इनसे क्या। मैं एमर मतलब आयरन ट्रेड करना ही भूल गया, 5 एमरल देते थे रामू भाई। रामू भाई के पता ठीक है या उन पर इसने अटैक करा है। तो गाइस मुझे अभी खबर मिली है कि वहाँ से 2 प्लेन आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे एरो हैं और मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ। मेरे पास बो एरो है और मैं उस पर अटैक करने की कोशिश करूँगा। और मुझे बताया उसमें TNT भी लगी हैं, तो मैं इससे चेक कर लेता हूँ। अभी तक तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं दिखा है और ये भी ठीक से काम नहीं कर रही है। अभी तक तो वो लोग नहीं आए, अब देखना होगा कब तक आएंगे। मेरे पास बो एरो है, ये फायर वाली एरो है, इससे मतलब उसमें आग ही लग जाएगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है, ऐसा बताया था। अरे वो कुछ है, उसमें TNT लगा है। ये इधर ही आ रहा है, हमें TNT मार के इसको ब्लास्ट करना है, नहीं तो ये हमारे मतलब किंगडम में आ जाएगा। गाइस ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पर, मैंने इस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे TNT बच गया, एक और बच गया, फिर तो बच गया। अभी यहाँ पर TNT पर लगता है, ये TNT फटेगा और ये भी साथ में ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। गाइस लग गया TNT पर, हमने एक को तो वहाँ पर स्टॉप कर दिया है और दूसरा भी इधर आ रहा है, इस दूसरे की मारनी है। वो तो हमने एकदम ब्लास्ट करके नीचे पानी में फेंक दिया। उनके पास काफ़ी सारे, ये वाला भी हमने ब्लास्ट कर दिया, वेरी गुड। ये अब 2 काम हो गए हमारे, इन दोनों को फोड़ दिया। उनके पास लगता है बहुत सारे हैं, इसलिए वो काफ़ी सारे भेज रहे हैं। पीछे एक है लेकिन वो आ रहा है, अभी मैं उसको देखूंगा चेक करके क्या वो, नहीं वो टूटा हुआ है, वो नहीं आएगा। तो हमने दोनों को यहाँ पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया है। तो मैं जाके देखता हूँ, मेरे पास भी एम्बल होंगे, मैं अभी 2 प्लेन उधर भेजूँगा अटैक करने के लिए। तो मेरे पास इसमें दो मिल जाएंगे हमें प्लेन, हमें 2 प्लेन मिल जाएंगे। तो हम ये अपना ट्रेड लेके स्टार्ट हो गए, हमारे 2 प्लेन में काम हो जाएगा, हम दोनों प्लेन वहाँ भेज देंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, हमारे सामने है उसके इतना होगा। तो मैंने अपना ये पहला प्लेन भेज दिया है यहाँ पर, अभी देखते हैं कैसे अटैक करेगा उस पर।
अब ये पॉश गया है, ये बड़ा इतना बड़ा नहीं है लेकिन है अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पर 5-6 घर होंगे, इनके पास भी एक लेबोरेटरी, एक प्ले गया है यहाँ पर। अरे TNT, ये रुक क्यों गया? ये लोग इस पर अटैक कर रहे हैं लगता है, इसके एरो ख़त्म हो गए सारे। अब मैं इसको भेज रहा हूँ और ये मेरा कमांडर इस पर बैठा है। अब यहाँ पर अब इसको लॉन्च करते हैं, अभी इसको भी लॉन्च कर दिया, ये भी जा रहा है वहाँ पर। इसमें से काफ़ी स्पीड से एरो निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है एक। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एरो डाल रही हैं तो ये बहुत देर तक इसके एरो निकलते रहेंगे। यहाँ पर ये गलत डायरेक्शन में सारे एरो जा रहे हैं, डायरेक्ट नीचे गिरे तो अच्छी बात है। और ये पहुँचने ही वाला है, अभी एक के विलेज प्लेजर के लगा था एक एरो और ये आगे जा रहा है और काफ़ी सारे प्लेजर बच रहे हैं इससे। और वहाँ पर ये विलेजर का बच्चा, ये विलेजर का बच्चा इनके पास कैसे? यहाँ पर एक नीचे विलेजर का बच्चा है इनके पास। अरे ये विलेजर के बच्चे ये रखा क्यों इनने? ये तो विलेजर को मार देते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। गाय जब मैं लौट के अपने कार से पाया तो मैंने देखा काफ़ी सारे प्लेजर सामने वाले जो हमारे किंगडम के सामने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। और हमारा अटैकर और डिफेंडर का वो 3 टावर को रोक रहा था लेकिन काफ़ी सारे प्लेजर थे यहाँ पर। और पीछे से पानी में से भी उस किंगडम के प्लेयर आ रहे थे यहाँ पर अटैक करने। तो गाइस हम दो दो तरीके तरफ से गिर चुकी हैं पूरी तरीके से, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। और यहाँ पर साइड से भी काफ़ी सारे प्लेयर आ रहे हैं हमारे किंगडम में अटैक करने के लिए। तो हम 3 तरफ से गिर चुके हैं बुरी तरीके से। अब देखते हैं अगली वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।